जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का चुनाव प्रचार जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ऐसे उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रघु शर्मा, महेश जोशी, अमीन कागजी भी मौजूद दिखे। जयपुर शहर से कांग्रेस की उम्मीदवार है ज्योति खंडेलवाल और इन्हीं के पक्ष में, इनके समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम अशोक गहलोत ने ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा की और सभी से ज्योति खंडेलवाल को जिताने का आह्वान किया। जयपुर में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और रघु शर्मा भी मौजूद दिखे। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां पर ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में वोट करने की अपील की। चुनाव के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको कहा, आप सबकी सलाह से, आपकी भावनाओं को देखते हुए हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहां से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। ज्योति खंडेलवाल आपके लिए नई नहीं है, वो मेयर रही थी सीधे चुनाव के अंदर, उस वक्त भी आपका भरपूर आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला और वो कामयाब हुई। लंबे अरसे बाद 30-35 साल के बाद में जयपुर में नगर निगम में हमारा कब्जा हो सका था, वो आप सब आपके आशीर्वाद का परिणाम था। 5 साल ज्योति खंडेलवाल तो रही मेयर, धारीवाल ही रहे मंत्री UDH के, NSG के। मुझे याद है कि 20 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब से बदलाव शुरू हुआ जयपुर का अलग ढंग। आज ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन भरेंगी और मुझे खुशी है कि आज हम सबके साथ मिलकर इस सभा को हम लोग आज यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पूरी स्थिति आपको समझाई। मैं सिर्फ 2-3 बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चुनाव बहुत से होते हैं, पार्षद के, विधानसभा के, अलग अलग चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में, ये चुनाव राष्ट्र के चुनाव हैं। 5 साल से BJP की सरकार दिल्ली में है, इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है।